हेलो स्टूडेंट्स दिस इज मी हेमंत सर एंड आज हम जेई एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी टू के का एक क्वेश्चन करेंगे ठीक है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन देख लेते हैं अ सोल्यूशन इज प्रिपेड बाय मिक्सिंग जीरो पॉइंट जीरो वन मोल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है मार्क कर लेते हैं ठीक है ईच ऑफ एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट एंड एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है इन 100 ml ऑफ वाटर ओके नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ठीक है हो क्या आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे लेट्स से एक बीकर ले लिया है हमने बीकर है 100 ml का ठीक है 100 ml वाटर अब उसमें ये चार केमिकल्स हम ऐड करने वाले हैं तो फोर केमिकल्स आर एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड एन एच सी ओ थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट एंड एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है चारों ही जीरो पॉइंट जीरो वन मोल है ये याद रखना है ओके okay? तो जो भी ये रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा बनेगा उसका हमको पी एच फाइंड आउट करना है दिस इज आर क्वेश्चन ओके गिवन कुछ चीज़ें दे रखी है लेट्स सी वॉट दे आर पी के ए वन एंड पी के ए टू वैल्यूज ऑफ एच टू सी ओ थ्री आर गिवन दो आर सी सिक्स पॉइंट थर्टी सेवन एंड टेन पॉइंट थ्री टू रिस्पेक्टिवली ठीक है लॉक टू का भी वैल्यू दे रखा है जीरो पॉइंट थ्री जीरो ठीक है, देख लेंगे कि ये वैल्यूज हमको आगे जाके कैसे यूजफुल होते हैं, ठीक है? वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि हम चार चार चीजें चार केमिकल्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये चारों केमिकल्स आपस में कितने रिएक्ट करते हैं ठीक है यानी कि हमको पता चलेगा कि फाइनल सोल्यूशन में ये कितना ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है या फिर कोई और पांचवा मॉलिक्यूल तो नहीं बन रहा है यहां पे, ठीक है सो लेट्स चेक दैट अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें विच इज़ एच टू सी ओ थ्री एंड एन ए ओ एच दो कंपाउंड्स रिएक्ट टूगैदर सो वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस एच टू सी ओ थ्री प्लस एन ए एच ठीक है कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं ऑफकोर्स वी नो दैट वन इज एसिड वन इज बेस सो इट विल बी फॉर्मिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा OH and H, so the resulting compound which we are getting is Na एन एच सी ओ so थ्री तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि one more extra molecule of एन ए एच सी ओ थ्री वी आर गेटिंग ठीक है बाकी अगर हम देखें तो एन ए टू सी ओ थ्री एंड एन ए एच सी ओ थ्री दोज आर बोथ बेसिस ठीक है तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे तो फाइनल मिक्सचर हम अगर देखें ठीक है I'll just write it down over here. Final mixture or final solution is consisting of 0.01 mole of Na2CO3. Theek 0.01 mole of NaHCO3 jo already present, tha, and this new 0.01 mole of one more. मोल ऑफ एन तो एच सी यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्टिंग इज टू सेट्स ऑफ 0.01 मोल ऑफ एन एच सी ओ थ्री कंबाइन करके भी लिख करके भी लिख सकते हैं हम वी कैन राइट इट एज ज़ीरो पॉइंट जीरो टू मोल्स ऑफ एन एच सी ओ थ्री ठीक है तो अगर हम देखें तो फाइनल सोल्यूशन में ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मोल ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री मिलता है हमको सोडियम कार्बोनेट एंड जीरो पॉइंट जीरो टू मोल्स ऑफ यानी एच सी ओ थ्री सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट हमको मिलता है ठीक है ये इतना हमको याद रखना है फिलहाल के लिए नाउ टॉकिंग अबाउट दी एच पी एच कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हम देखें इफ यू रिकलेक्ट द फॉर्मूला फॉर पी एच पी एच का सिंपलेस्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पी के ए वन एंड पी के ए टू आर पी के ए वन प्लस पी के ए ठीक है सिंपली हमको दोनों को ऐड कर देना है वी नो दैट पी के ए वन इज फॉर एसिड एंड पी के वन पीके ए टू इज नथिंग बट फॉर बेस ठीक है हमको यहां पे पता है कि सॉल्ट ये जो एन एच एन एच सी ओ थ्री जो हुआ है ये एक सॉल्ट फॉर्म हुआ है ठीक है एंड आवर एन ए टू सी ओ थ्री इज नथिंग बट अ बेस ठीक है तो हम बेस पे ज्यादा फोकस करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन हमको ज्यादा पता है ठीक है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करते हैं सो पी के पी एच विल बी इक्वल टू फिलहाल पी के ए टू हम ऐसे ही रखते हैं राइट एंड पी के ए वन के जगह पे वी कैन राइट इट एज लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ठीक है तो पी के ए वन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं राइट पी एच पी के ए टू नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी पी के ए टू का वैल्यू दे रखा था गेटिंग मी? सेम वैल्यू हम यहां पे सब्सिट्यूट कर देंगे सो इट इज पॉइंट थ्री टू प्लस लेट्स सॉल्व दिस लॉग लॉग ऑफ 0.01 का कंसेंट्रेशन कितना था 0.01 अपॉन एसिड का कंसेंट्रेशन इज़ 0.02 ठीक है रिजल्टिंग फॉर्मूला विल बी पीएच विल बी इक्वल टू 10.32 प्लस लॉग ऑफ ये दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद विल we'll गेट 1 by 2 और सिंपलिफाई करने के बाद विल गेट पीएच इज़ इक्वल टू 10.32 माइनस लॉग वन बाई टू को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ टू ओके ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको लॉग टू का वैल्यू दिय, दिया था राइट विच इज़ जीरो पॉइंट थ्री जीरो तो वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे हिन्स पी एच विल बी इक्वल टू टेन पॉइंट थ्री टू माइनस लॉग टू इज इक्वल टू पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री तो यहाँ पर पी एच का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी टेन पॉइंट ज़ीरो टू दिस विल बी द पी एच ठीक है अब यहाँ पे ऑलरेडी हमको आइडिया था कि जो भी जो मिक्सचर बनने वाला है हमारा वो स्लाइटली बेसिक नेचर का ही होगा बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पी एच विल बी टेन पॉइंट ज़ीरो टू ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ठीक है मिलेंगे आपसे फिर किसी और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है तब तक टेक केयर बाय बाय